पूर्व भारतीय नौसेना के अफसर कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर राजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, ये वो नाम है जिन्हें कतर की एक निचली अदालत ने सजाए मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरत जाहिर करते हुए हर हाल में फंसे हुए भारतीयों को आजाद कराने की कूटनीतिक लड़ाई शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि इस सजा के खिलाफ आखिर विकल्प क्या है। पहला विकल्प तो यह है कि भारत सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिश। दूसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामले को उठाना। There is, you know, most probably further legal processing. But I don't know in the sense that further legal processing may or may not help. Because this has been going on for a long time. We know that. जानकारों के मुताबिक भारत सरकार सभी विकल्पों को देख रही है। कतर को करीब से जानने वाले विदेश मामलों के जानकारों का दावा है कि सबसे अच्छा विकल्प कूटनीतिक है, यानी अगर भारत सरकार कतर पर दबाव बनाने में कामयाब रही, तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ऐसे अधिकार है जो राहत दे सकते हैं। कतर के कानून के मुताबिक अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफ कर सकते हैं। कतर में दो मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं, पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। अब रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है, यानी 1.5 महीने से कम वक्त में भारत को कूटनीतिक रिश्तों में अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व नौसैनिकों को राहत मिल सकती है। अल्टीमेटली वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। वन इज टू अपील टू हिज हाइनेस द अमीर, और यू रिमेंबर कुलभूषण, व्हाट्स हिज फुल नेम, या वी हैड टेकन इट अप विद आईसीजे, दैट्स आल्सो पॉसिबल। But I personally would hope and pray that we are able to make an appeal to His Highness Amir, and that they would be pardoned. Well, लेकिन अगर कूटनीतिक रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले को उठाने का विकल्प है, लेकिन यह लंबा और थका देने वाला रास्ता होगा। जानकारों का दावा है कि सरकार की कोशिश होगी कि कूटनीतिक रास्ते से ही मामले को हल कर लिया जाए,